जय श्री माता जी एवरीवन। आज इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, हरियाली तीज, जो शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के कारण प्रसन्नता में पूरी सृष्टि मनाती है। इस सुंदर अवसर पे हम सहजियों के लिए एक जो आंतरिक घटना घटित होती है, जहां गौरी स्वरूप मां कुंडलिनी और आत्मा स्वरूप श्री शिव का जब मिलन होता है, मां कुंडलिनी उठती हैं और हमारे बाएं हृदय में हमारी आत्मा को जागृत करती है। शिव और पार्वती के इस प्रतिबिंब जो हमारे अंदर स्थित है, उसके मिलन से हम अपने आप को आत्म स्वरूप में अनुभव कर पाते हैं। और यही वो समय होता है जब परमात्मा हमको प्राप्त कर लेते हैं, तब हम इस योग के बन जाते हैं कि हम उस श्रेणी में आए कि श्री सदाशिव हमारा स्वयं वरण करें। जब हमारी आत्मा जागृत होती है, प्रकाशित होती है, हमसे बातें करती है, हमारे अंदर सत्य को स्थापित करती है, हमें सत्य का ज्ञान देती है प्रतिपल प्रतिक्षण, हमारे चित्त को आलोकित कर देती है। हमारा चित्त ही हमारी आत्मा है। और जितनी आत्मा प्रकाशित है, उतना ही ये प्रकाशित चित्त जहां भी जाए, तत्क्षण क्रियान्वित हो जाता है। इस आत्मा के वरदान स्वरूप ही, श्री सदाशिव के वरदान स्वरूप ही हम सदैव आनंदित रहते हैं। आत्मा को कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। सुख दुख सिर्फ एक माया है आदिशक्ति की। श्री माता जी महामाया है और ये हमारा जो भ्रम है, ये मां गौरी कुंडलिनी श्री सदाशिव के प्रतिबिंब आत्मा से जब उनका मिलन हो जाता है, हम हर तरह की माया से बाहर आ जाते हैं और हम सत्य को जान पाते हैं। आज इस शुभ अवसर पे जहां प्रकृति इस मिलन को मना रही है, आनंद ले रही है, हम यहां से जी एकत्रित हैं मां आदि शक्ति की सृष्टि के रक्षण के लिए तत्पर हैं, अपने रुद्रों के पूरे प्रभाव के साथ कलिके के अवतरण के लिए माध्यम बनने के लिए प्रस्तुत है।
ताकि माँ आदि शक्ति की सृष्टि का रक्षण हो सके, नकारात्मक का नाश हो सके। अपने को इस कार्य के लिए प्रस्तुत करने वाले सभी सहयोगी भाई बहनों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। आज इस श्रृंखला में एक बार फिर से हम सर्वप्रथम पूरी तरह से अपने चित्त को अपने अंदर समेटेंगे। जैसे ही हमारा चित्त हमारे अंदर जाता है, सभी देवी देवता जागृत हो जाते हैं। उनकी जागृति से, उनके आशीर्वादों से जब हमारे अंदर मां कुंडलिनी बड़ी सुगमता, सरलता और सहजता के साथ पूर्ण रूपेण ऊपर उठती हैं, हमारी आत्मा को प्रकाशित करके वो हमें ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बना देती है, विराट बना देती है। माँ कुंडलिनी की इस यात्रा को हम महसूस कर पाते हैं अपने चित्त के माध्यम से। माँ कुंडलिनी हमारे ब्रह्म रंध्र से बाहर आके एक बहुत ही बड़ी यात्रा को कुछ ही क्षणों में पूर्ण कर लेती हैं। श्री सदाशिव से योग संभव हो पाता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें और माँ की अमृत वाणी सुने श्री सदाशिव के ऊपर। एकदम शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, निर्विचार हो जाए। कोई भी शारीरिक या मानसिक हलचल नहीं, कोई गतिविधि नहीं, निष्क्रिय हो जाएंगे। पूरी तरह से माँ की अमृत वाणी से बहते हुए अमृत को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। Today, we are going to do puja to Shiva. As you know, Sri Shiva is the reflection of Sadashiva within us. I've already told about the reflection. Sadashiva is the God Almighty.
The one who sees the play of Adi Shakti. But he is the father who is watching each one of his creation or her creation. His support to Adi Shakti is entirely, fully strengthening. There's no doubt in his mind about the capability of the Adi Shakti. But when he finds that in the play of Adi Shakti, the people of the world as such try to disturb her or spoil her work, then he gets into his wrathful mood and he destroys all such people. And maybe he destroys the whole world. One side in wrathful, no doubt. On the other side is the ocean of compassion and joy. That's why when it's reflected within us, we get our self-realization. We get the light of our spirit. And we get into the ocean of joy. Also, he is the ocean of knowledge. So, those who get self-realized get the knowledge of the divine, which is very subtle, permeating into every atom and molecule. The power of this knowledge is there. His style is such that in his compassion, he forgives even very cruel Rakshasa if they dedicate themselves to him. Because his compassion has no limits. And sometimes the same people who are blessed by him try to trouble the devotees of Adi Shakti. But it is just to create a drama, an event. Unless and until there is some drama, people won't understand. We had to have Ramayana, we had to have Mahabharata, we had to have Christ being crucified, we had to have Muhammad being tortured. All that drama was there because without events, people don't remember. So in the spiritual life of human beings, they have seen lots of dramas between the blessings of Shiva and the powers of Adi Shakti. As the time has moved, today in the history of spirituality, a great discovery has been made that people can get their realization in the collective amas. Thousands can get their realization. Now we should know what is this realization we have got. What does that mean? And what is the culminating point? First of all, I have to tell you, the mind about which we speak and depend upon is a myth.
There's nothing like mind. Brain is reality, not the mind. Mind is created by us reacting to outside. Either we react to conditionings or to our ego. Thus, this mind is created like bubbles on the ocean of reality. But that's not reality. With this mind, whatever we decide, we know is very limited, elusive, and sometimes shocking. The mind always moves in a linear direction. And because there's no reality in it, it recoils and boomerangs. Thus, all the enterprises, all the projections so far we have done, it seems, come back to us. Whatever they discover comes back to us as a big destructive power or a very big shock. So one has to decide what to do, how to be out of this trap of our mind. Kundalini is the solution. When she's awake, she takes you. With that awakening, she takes you beyond your mind. The first thing is to go beyond your mind. Jai Shri Mataji. श्री माता जी की इस अमृत वाणी में हम सबने सुना और जाना कि किस प्रकार से सदाशिव जो हमारे भीतर हमारी आत्मा के स्वरूप में प्रतिबिंबित है और सदैव ही हमारी आत्मा सब कुछ दृष्टा भाव से देखती रहती है श्री सदाशिव आदि शक्ति के इस सृष्टि को सदैव देखते रहते हैं और जो कोई भी उनकी सृष्टि को नष्ट करता है तो उसको उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है वो ऐसे सब नकारात्मक लोगों को नष्ट कर देते हैं जो भी सृजन में सृष्टि के सृजन में असृष्टि के अनुशासन में कार्य प्रणाली में जो आदिशक्ति द्वारा निर्धारित है आदिशक्ति के भक्तों में जो भी उनके मार्ग में कठिनाइयां डाली जाती हैं नेगेटिव लोगों के द्वारा उससे वो बहुत कुपित हो जाते हैं क्योंकि मनुष्य सब कुछ अपने माइंड से सोचता है जो कि वास्तविकता नहीं है सहज योगा में जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन कर देती है तो हम इस भ्रम से बाहर आ जाते हैं और हम अपने जागृत मस्तिष्क के द्वारा सत्य को जान पाते हैं किंतु यदि हम अपने माइंड के द्वारा जो एक सीधी रेखा में चलता है और कुछ भी सृष्टि में सीधी रेखा में नहीं चलता उसके बहुत से आयाम होते हैं वो दाएं फिर बाएं फिर बाएं फिर दाएं सर्पाकार रूप में ऊर्ध्व गति में हर तरह का मूवमेंट इसी प्रकार से होता है कुंडलिनी का भी मूवमेंट इसी रूप में होता है
एड़ा और पिंगला एक दूसरे में गोल 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 बनी हुई है, और माँ कुंडलनी उनके भीतर इसी प्रकार से चलती है। किंतु जब मस्तिष्क की सोच, जब दिमाग की, जिसको हम माइंड कहते हैं, ब्रेन नहीं, ब्रेन रियलिटी है, मस्तिष्क रियलिटी है, लेकिन जो हम दिमाग जिसको कहते हैं उसके द्वारा कुछ सोचते हैं, तो हम वहां तक जा ही नहीं सकते, और हम उस मस्तिष्क की, ईश्वर की कार्य प्रणाली में बाधा बन जाते हैं और वहां टकराव होता है। उस समय श्री सदाशिव बहुत कुपित हो जाते हैं, क्योंकि ये दिमाग की सोच अवरोध पैदा करती है आदिशक्ति के कार्य में। आत्मा जो सत्य को जानती है, जो आनंदित रहना चाहती है, वो ही श्री सदाशिव के गुण है। यदि ऐसा नहीं होता है, नकारात्मक लोग होते हैं, तो उनका नष्ट होना अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है। श्री आदिशक्ति के सुंदर कार्य में और सृजन में बाधा डालना श्री सदाशिव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और फिर उनके क्रोध से पूरा विश्व ही समाप्त हो सकता है, ऐसा माँ ने कितने साल पहले कह दिया, जो आज हो रहा है। कोई भी चीज जो प्राकृतिक है, जो भी मनुष्य के प्राकृतिक गुण है, उसमें यदि वो अपनी सोच से, विचार से परिवर्तन करता है, लोगों को परेशान करता है, प्रकृति में जो परमेश्वरी के द्वारा दिए गए वरदान है, उनको भी अपने दिमाग के अनुसार, जो सिर्फ रेखीय गति में चल सकता है, उनको नष्ट करता रहता है। इससे श्री सदाशिव का क्रोध चरम सीमा को छू लेता है, लेकिन यदि, और ये घटनाएं होती हैं, जो भी श्री महामाया का ही कार्य है, जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया, क्योंकि यदि ये घटनाएं ना हो तो मनुष्य को तो पता ही ना चले क्या सही और क्या गलत। ये भी महामाया का ही कार्य है। जहां श्री सदाशिव क्रोध में सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं, तो वही श्री सदाशिव क्षमा के सागर भी हैं, दया के सागर हैं, प्रेम के और शांति के भी सागर हैं। तो चलिए, श्री सदाशिव के इन वरदानों से हम भी लाभान्वित हो, उनका साक्षात्कार करें, उनसे एकाकारिता स्थापित करें। यह हमारा विशेष अधिकार है जो माँ आदि शक्ति ने हमें दिया, हमारी कुंडलनी जागृत करके, जिसके बाद ही सत्य को जानना संभव हुआ, योग संभव हुआ। तो सबसे पहले अपने चित्त को
प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के श्री चरणों में ले चलते हैं अपने मूलाधार चक्र पे चित्त रखते हैं। श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु गणेश, कृपा करें अब मेरे इस आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न कर दें। हे प्रभु गणेश, आप साक्षात परम चैतन्य हैं, कृपा करें और मुझे वो शक्ति प्रदान करें जिससे मैं हर कण में हर अणु में प्रवेश कर जाऊं। प्रभु गणेश, मेरे सभी चक्रों में आप जागृत हो जाए और वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं को जागृत कर दीजिए। मां कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। मुझे आपसे योग करना है, आपके गुणों और शक्तियों को ग्रहण करना है, कृपा करें, कृपा करें। आपका पवित्र अबोधित विवेक निर्भीकता मुझे प्रदान करें, मेरे मूलाधार से मेरी आज्ञा अर्थ बिंदु बिंदु वाले और पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए परम चैतन्य में आप जागृत हो जाए। श्री सदाशिव से योग तक आप मेरे साथ रहे। सब विघ्नों को हर ले। धीरे से अपने चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र पे लाएंगे। प्रभु गणेश की कृपा से ये पूरी तरह खुल गया है। श्री ब्रह्म देव सरस्वती यहाँ विराजित हो गए हैं। परम सत्य को हम पे उड़ेल रहे हैं, हमारी शुद्ध इच्छा को जागृत कर रहे हैं, निर्मल विद्या का पान करेंगे, ग्रहण करेंगे, नमन करके नाभि पे आएंगे। श्री गणेश ने इस चक्र को भी पूरी तरह खोल दिया है। शीतलता आ रही है यहाँ से। श्री लक्ष्मी विष्णु जी को नमन करेंगे, उनके गुणों को और शक्तियों को वरदानों को आत्मसात कर लेंगे, अपने नाभि के अंदर चारों आदि गुरु दत्तात्रेय जागृत हैं, नमन करेंगे, मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के दरबार में
सभी उपस्थित सभी देवी देवता सभी उच्च श्रेणी के सहयोगी सभी गण ग्रह नक्षत्र समुद्र पर्वत पंचतत्व हमारे मध्य हृदय में जगत जननी के श्री चरणों में हेमा जगदम्बा सदैव जागृत रहें अपने इस दरबार को मेरे हृदय में सदैव सुशोभित रखें मुझे निर्भीक बनाए मेरा आत्मविश्वास है मेरी शक्ति है माँ जगदम्बा जागृत रहे सदैव पूरा चित्त मध्य हृदय चित्त को धीरे से बाएं हृदय मिलाएंगे और अपनी आत्मा को महसूस करेंगे बाएं हृदय के अंदर श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है शिव है सत्य चित्त और आनंद है मैं सत्य हूँ आत्मा हूँ चित्त हो मैं आनंद हो धीरे से अपने चित्त को दाएं हृदय मिलाएंगे प्रभु राम माँ सीता के श्री चरण नमन करेंगे प्रार्थना करेंगे हे प्रभु राम आप साक्षात श्री विष्णु के अवतरण हैं सृष्टि को चलाते जागृत हो जाइए मेरे दाएं हृदय में श्री सीता के श्री चरणों में सर रख देंगे माँ आप ही साक्षात श्री सीता है श्री महालक्ष्मी है जागृत हो जाइए मेरे दाएं हृदय में जागृत हो जाइए माँ श्री हनुमान जी भी जागृत हो रही है पिंगला में पूरी तरह पूरा चित्त पिंगला नाड़ी में पूरी तरह से आशीर्वादित हो रही धीरे से मध्य हृदय में आएंगे अपने मध्य हृदय में श्री कार्तिकेय जी को भी नमन करेंगे
राक्षसों का वध करने वाले शिव और शक्ति के पुत्र। दोनों की ऊर्जाएं हैं इनमें, मेरे दाएं मूलाधार में विराजित हो जाएगी। हे निष्कलंक श्री कार्तिकेय जी, आप भी साक्षात श्री कल्कि जागृत हो जाएगी। चित्त को अपने मध्य हृदय में रखेंगे और आलोकित चित्त से देखेंगे श्री भैरवनाथ को। उनकी तो हुंकार से सारी भूत बाधाएं मेरी ईड़ा नाड़ी से स्थान छोड़ देती। उनकी तो हाथों की मशाल से मेरी ईड़ा नाड़ी प्रकाशित हो जाती है। जागृत हो जाएगी, मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी में सभी तांत्रिकों मांत्रिकों का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो गया। काम शुद्ध है मेरी ईड़ा नाड़ी। बहुत सुंदर ऊर्जा बह रही है, महसूस करेंगे थ्रू एंड थ्रू। मध्य हृदय में आएंगे, सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, माँ जगदम्बा की शक्तियों के साथ, गणों के साथ, ग्रहों के आशीर्वाद के साथ विशुद्धि चक्र में आएंगे। श्री राधा कृष्ण विराट, इतने विराट है। नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे। विशुद्ध आत्मा है हमारा विशुद्धि चक्र, पूरी तरह से जागृत। दोषी नहीं है हम, आत्मा है पूरा चित्त विशुद्धि चक्र में। गर्दन के नीचे रीढ़ की हड्डी में, उभरी हुई हड्डी के अंदर बहुत सुंदर चित्त को आज्ञा चक्र पिलाएंगे। श्री यीशु मेरे को नमन करेंगे, आपके बलिदान से प्रभु मेरा आज्ञा चक्र खुला। सबको क्षमा कर दीजिए, हमने भी सबको क्षमा किया, क्षमा किया। कहीं प्रेम क्षमा है तो कहीं क्रोध क्षमा, ये डिस्क्रिप्शन दीजिए।
सूर्य देवता दमक रहे हैं हमारी आग के। ब्रह्मानंद पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, आशीर्वादित हो रहे, पूरे शरीर में परम चैतन्य फैल रहा, श्री चरणों से बहता हूं। सर के अंदर, रीढ़ की हड्डी, पीठ, फ्रंट, हाथ, पैर, पूरा शरीर परम चैतन्य से परिपूर्ण है, एकदम दोनों हाथों में चित्त महसूस करेंगे परम चैतन्य को, दोनों पैरों में, घुटने, पैर, पेल्विक रीजन, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, सारे चक्र परम चैतन्य से परिपूर्ण है। तो कोशी माता जी के श्री चरणों में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे महादेव शक्ति, आपकी कृपा से मेरी माँ कुंडलनी आपके श्री चरणों में आ सके, कृपा करें मेरे चित्त के माध्यम से मेरी माँ कुंडलनी का योग श्री सदाशिव से करा दे, मेरे इस जीवन को सफल कर दे। हे माँ शक्ति, कृपा करें, आशीर्वादित करें, आशीर्वादित होके चित्त के माध्यम से ऊपर चलेंगे, माँ कुंडलनी साथ साथ चल रही है, अर्थ बिंदु चक्र वलय प्रदक्षिणा और ऊपर अनेक चक्रों को भेद रही है माँ कुंडलनी, आकाश तक आ गई, पूरे आकाश में हमारे चित्त से परम चैतन्य की वर्षा कर देंगे, चित्त को अमेरिका के नक्शे पे रखेंगे, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बरसने देंगे परम चैतन्य को हमारे चित्त के माध्यम से, सराबोर हो रहा है पूरा विश्व परम चैतन्य से, चित्त को भूमि, जल, अग्नि, वायु सभी तत्वों पे रखेंगे और उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे,
सभी तत्व चैतन्य हो गए हैं, पूरी तरह परमेर कर जाएंगे। जहां जहां कोई भी नकारात्मकता हमारे चित्त से जो श्री सदाशिव का प्रतिबिंब है नष्ट हो रहे है, COVID-19 पूरी तरह से नष्ट, पूरे विश्व से पंच तत्व अपना कार्य कर रहे हैं, जागृत पंच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि सब नकारात्मकताओं का नाश कर रहे हैं, सारे नकारात्मक व्यक्ति नष्ट हो रहे हैं। यही पंच तत्व दिव्य आत्माओं का रक्षण कर रहे हैं, पूरी एकाकारिता पंच तत्व से। चित्त को आकाश में रखेंगे, भेदन करेंगे, अंतरिक्ष में आएंगे, सभी ग्रहों में परमेर कर जाएंगे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह सबको देखते जाएंगे, शुक्र ग्रह चमकीला एकदम चंद्रमा की तरह, शनि ग्रह चारों तरफ एक रिंग है, सूर्य चंद्रमा अरुण ग्रह वरुण ग्रह सबके अंदर परमेर कर जाएंगे, सबकी शक्तियों को ग्रहण करेंगे, आशीर्वादित होंगे। प्रवेश कर जाएंगे चैतन्य थे सभी ग्रह और ऊपर चलेंगे और ऊपर भेदन कर देंगे कुंडलिनी मां, शून्य सरोवर में आ जाएंगे, पूरा निर्वात है यहाँ, कोई वायु नहीं, कोई तत्व नहीं, एकदम शून्य है, सब स्थिर है, शीतल है। श्री सदाशिव के दर्शन करेंगे, बहुत ही सुंदर और विशाल, परमात्मा से साक्षात्कार, नमन करेंगे, श्री चरणों में सर रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे अपने गुण और शक्तियां प्रदान करें, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पूर्णतया शुद्ध, आपसे योग मांग रही हूँ, मुझे योग प्रदान करें, योग प्रदान करें, योग प्रदान करें,
सदा शिव की शक्तियां हमारे अंदर आ रही है। धीरे धीरे डिटैच करेंगे, चित्त को बाहर लाएंगे, श्री चरणों में सर रख देंगे, धन्यवाद करेंगे, कोटि कोटि नमन है आपको इस योग के लिए। प्रभु मुझे अपनी क्षमा और दया का पात्र बनाए, करुणा का पात्र बना ले, मेरे अंदर आपके गुण हो, दया प्रेम करुणा क्षमा। मुझे आशीर्वादित करें, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद आपका और आदि शक्ति का ये मिला जो मेरे अंदर घटित हुआ, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मां आदि शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और पूरे आकाश से बरसने देंगे परम चैतन्य को। ब्रह्म चैतन्य है, पूरे विश्व में बरसने देंगे, हमारे घर पे, हमारे शहर पे, हमारे देश में ब्रह्म चैतन्य की वर्षा को अनुभव करेंगे, भीग जाएंगे, भीग जाएंगे। इस ब्रह्म चैतन्य से अपने शरीर को पूरी तरह पोषित करें, कोई दर्द कोई तकलीफ हमारे शरीर में नहीं, ब्रह्म चैतन्य है पूरी जगह, परम चैतन्य से भरे हुए, भीग जाएंगे, भीग जाएंगे, भीग जाएंगे। हमारे इस परम चैतन्य के पिंड से चारों तरफ परम चैतन्य फैला देंगे, अपने परिवार जनों के परम चैतन्य को डालेंगे,
उनके अंदर माँ जगदम्बा जागृत है, उनके सहस्त्र खुले हुए। उभरे अपने कार्य क्षेत्र में, घर में डालेंगे, अपने साथियों पे डालेंगे जो हमारे साथ काम करते। पूरी तरह से परम चैतन्य फैला देंगे सब जगह, सहस्त्रार पे आएंगे, माँ के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ को, उनकी कृपा से ही ये संभव हुआ। माँ आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। आज्ञा पे आएंगे, विश्रुति पे आएंगे और मध्य हृदय में आ जाएंगे, जगदम्बा के श्री चरणों में बैठेंगे और श्राम करेंगे, विश्राम करेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ जगदम्बा सभी देवी देवता। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी सभी को। थैंक यू माँ, थैंक यू विद्या, थैंक यू माता जी, थैंक यू अलका जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया अलका जी, थैंक यू। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, माँ को धन्यवाद। जय श्री माता जी दीदी, सभी को जय जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।